दर्शकों, जातिवादी मानसिकता वाले दल हों या लोग हों, जब ये लोग सत्ता में आ जाएं, तो फिर अत्याचारों का किस तरह से नंगा नाच करते हैं, इसका अनुभव पिछले कुछ वर्षों में हद तोड़ता हुआ नजर आया है। लगभग हर डिपार्टमेंट में प्रमुख पदों पर विराजमान ये घोर मनुवादी अफसरों ने अपने राजनीतिक आकाओं के फरमानों को अक्षरशः बजाया है। इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है पिछड़े और दलित वर्गों को, संविधान से मिले उनके हकों पर। संविधान लागू होने के बाद से अब तक शूद्रों को मिली सहूलियतों से गुस्साए ये लोग जैसे उन हकों को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा रखे हों। एससी एसटी के लिए बनी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने इनके पास सैकड़ों हथकंडे हैं। पिछले 8 सालों में ये लोग सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं और अब इनकी नज़र उन संस्थाओं पर भी है जो बाबा साहब के नाम से सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनाई गई है। मनुवादियों ने पहले इन संस्थाओं में अपने प्यादों को तरीके से अपॉइंट किया, इसके बाद स्वीकृत फंड को डाइवर्ट कर दिया। बड़ी चतुराई से एससी एसटी के साथ महिला जैसे कॉलम जोड़कर सभी वर्गों की महिलाओं और तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलवा दिया। अब ताज़ा मामला है महाराष्ट्र की एक ऐसी ही संस्था बार्टी का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि बार्टी पुणे के 861 पात्र विद्यार्थियों को फेलोशिप सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि संस्था ने यह कह दिया हमारे पास फंड ही नहीं है। बार्टी के माध्यम से 2021 में कुल 861 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया था, लेकिन केवल 200 उम्मीदवारों को रिसर्च फेलोशिप दी गई। बार्टी ने राज्य प्रशासन को प्रस्ताव दिया था कि बाकी 662 आवेदकों को भी फेलोशिप दे दी जाए, लेकिन राज्य प्रशासन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, लिहाजा इन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। अब ये विद्यार्थी लगभग 1.5 महीने से मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे हैं। जो महाराष्ट्र शासन जिस तरह से दलित बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा है वो जातिवादी व्यवहार है, ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है। तो ये जो धरने आंदोलन है इसकी जो वजह है, महाराष्ट्र के विविध यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए छात्र रजिस्टर हो चुके हैं उनको बार्टी ये जो संस्था है वो फेलोशिप देने का काम करती है। बार्टी के पास बार्टी ने जो निवेदन है एप्लीकेशन है वो जो मंगवाए वो 1 साल के बाद मंगवाए। ये छात्र जो है 2021 में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इनके फॉर्म जब मंगवाए गए पूरे 1 साल के बाद फॉर्म मंगवाए गए 1035 फॉर्म उनके पास रजिस्टर्ड हुए, उसमें से 861 जो छात्र है वो ये फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और ये एलिजिबल होकर भी आज 1 साल होकर गया है, अभी तक भी इनका जो विचार होना चाहिए तो वो हुआ नहीं है। सामाजिक न्याय विभाग जो है वो छात्रों के प्रति बहुत नैराश्यजनक उनका व्यवहार हो चुका है। वो बोलते हैं कि निधि ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास इन छात्रों के लिए निधि ही नहीं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो सारथी है जो मराठा कुणबी इनके लिए स्थापित किए गए संस्था है वो अपने छात्र को सरसगट मीन्स जितने उनके पास एप्लीकेशन आई है उनको उतने एप्लीकेशन को वो सरसगट फेलोशिप देती है। 856 स्टूडेंट को उन्होंने फेलोशिप दे चुकी है और जो महाज्योति ये संस्था है ये संस्था अपने बच्चों को 1226 स्टूडेंट को सरसगट फेलोशिप देती है। उनकी प्रोसेस 2021 और 2022 ये दोनों की प्रोसेस उनकी हो चुकी है और जिनको सही मायने में फेलोशिप की ज़रूरत है उनकी प्रोसेस 2021 की प्रोसेस अभी तक पेंडिंग है और इन लोगों के सरकार कहता है कि जिनको सामाजिक और आर्थिक जो मागास कहलाते हैं पिछड़े कहलाते हैं उनके लिए इनके पास निधि नहीं है और जिनको ज़रूरत है या नहीं है इनका रिसर्च भी अभी तक हुआ नहीं, उनका मागासपन अभी तक साबित भी नहीं हुआ है, उनको पैसे देने के लिए इनके पास पैसे है, उनको मीटिंग्स करने के पास इनके इनके लिए उनको टाइम है, लेकिन जो सही मायने में पिछड़े हैं
जिनको ज़रूरत है, जिनकी पहली जनरेशन है जो पीएचडी तक पहुंच रही है, और उनके लिए इनके पास पैसे नहीं, उनके लिए उनके सब्जेक्ट पर बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। विद्यार्थियों का आरोप है कि जब ईडब्ल्यूएस के लिए बनी संस्था सारथी और महाज्योति को राज्य सरकार पर्याप्त फंड जारी कर रही है और फेलोशिप की संख्या पर भी वहां कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, तो फिर सिर्फ एससी एसटी के विद्यार्थियों से ही बीजेपी शिंदे सरकार को आखिर दिक्कत क्या है भाई? 46 डेज हो चुके हैं, तभी अभी तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या सामाजिक न्याय विभाग के सचिव हमारे जो इशू है उस पर बात कर, आगे होकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों हम इन पर इल्ज़ाम ना लगाएं कि ये जातिवादी सरकार है, ये जातिवादी नीतियाँ पर विश्वास रखने वाले, सामाजिक स्वास्थ्य जो है उनको बिगाड़ने वाली सरकार है, हम इस बात को क्यों हमारा जो है ओपिनियन वो ना बनाए। ये अब हमारी जो मानसिक और शारीरिक दोनों की आरोग्य है वो दिन ब दिन हमारा कम होते जा रहा है, तो इस सरकार ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे ये इशू पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि तो समाज में अभी समाज हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से हमें समर्थन आ रहा है, और समाज को भी मैं अपील करती हूँ कि उन्होंने इस नज़र जो हमारा इशू है उसको समझ कर लेना चाहिए और हमारे हमें ज़्यादा तौर पर समर्थन देना चाहिए। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिन्हें शिवसेना से तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। लिहाजा महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी स्कॉलरशिप फेलोशिप जैसी सुविधाओं से लगातार वंचित होते जा रहे हैं।